एजुकेशन का ऑफलाइन मोड में और आज हमारा EDS का एग्ज़ाम है. सो सुपर एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस भी है कि पेपर कैसा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम जब हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे तो दैट वॉज इन ऑनलाइन मोड, बट इस बार ऑफलाइन मोड में है और देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम जाता है. सो सबसे पहले कॉलेज चलते हैं. यहाँ पे मुझे बैठना है. फाइनली मिल गया यार, बहुत खुशी मिल रही है. रूम नंबर, मुझे थोड़ी भूख लगी है. लेकिन खुशी तो ऐसे मिल रही है जैसे मुझे किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए. बहुत लेकिन बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी और 5 मिनट्स हो गए थे एंड थैंकफुली आई फाउंड माई रूम. तो अभी मैं थोड़ा लंच कर लेती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा. तो हमारी सीट में चेंज है, फिर हम दूसरे क्लास में हम जा रहे हैं. 1080 तो चलते हैं 108 रूम में. मीट शी इज दीक्षा. हाय. और दीक्षा हमारी क्लास में दो दो तीन तीन दीक्षा है. दो दीक्षा है. सो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज. और मैंने एक बार ध्वनि को दीक्षा बोलते थे, शी वाज फिगर ऑफेंडेड. क्या कह रही है यार, ध्वनि को दीक्षा कह रही है. हमारे क्लास में दो दीक्षा है, एक ये और एक और पहले आ चुकी है, वो भी प्रॉब्लम है. इधर देखते हैं, इधर. सो फाइनली मिल गया रूम. अगेन आई ट्राई टू फाइंड देयर इज अंजलि. अरे यार इसमें दिया है यहाँ पे यार. अच्छा है, कंप्यूटर चला गया ना. हाय हाय अनुष्का. हाय हाउ आर यू. हाय दीक्षा. ये भी दीक्षा और ये भी दीक्षा. अभी बात कर ही रहते हैं, मिल गई दोनों दीक्षा एक साथ. अंशुमिता हाय. सो हियर स्वागत है आपका हमारे चैनल में. आज हमारे साथ इंटरव्यू में अनुष्का बैठी हुई है. आप कुछ भूल रही हैं? क्या भूल रही हूँ? कुछ तो भूल रही हैं. मैं कुछ भूल रही हूँ? नहीं. अच्छा जाएगा पेपर. जय भोलेनाथ. जय बजरंग बली. जय बजरंग बली. जय भोलेनाथ. जय हरिहरनाथ. जय बाबा. सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. सो अभी चलते हैं एग्जाम की तैयारी बैठने. ये अभी भी पढ़ रही है. लास्ट टाइम में नहीं पढ़ते जब साल भर आप नहीं पढ़े, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट वाला पढ़ते ही टॉप मारेंगे. एग्जाम से डर लग रहा है आपको? नहीं, मैं हैप्पी. अब मुझे पता है, मुझे हंसी आती है बहुत. तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ये हमारा क्लास है और फिलहाल मैं घूम रही हूँ. दिस इज कॉलेज हॉस्टल. बहुत ही बढ़िया है ये जगह, बहुत ही मजा आता है. क्या एग्जाम कैसा गया? कैसा गया एग्जाम? एक छुपा रुस्तम है हमारे यहाँ पे. हाँ बताओ बताओ कैसा गया एग्जाम? भी कसर बाकी नहीं, मतलब कुछ भी लिख रहे थे. हाँ यार कुछ भी, मतलब मरुस्थल ये लिटा दिया. मेरे फूड चेन में ह्यूमन ने ह्यूमन को खा रहा था. मैंने एक पॉइंट लिखा था, साला मनुष्य ना एक
इसी सारी फसाद का जड़ है। प्लास्टिक जलाते कौन सा धुआं निकलता है पता नहीं कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल दिख रही है। मेरे सारे स्माइल वो भी सारे झूठे ही है। अरे तो वो दीक्षा को वो कह रही मैं कुछ नहीं पढ़ के आई और 20 में मैम एक्स्ट्रा शीट थी वही पढ़ के ये क्या कर रही है। एग्जाम्स हो गए और अच्छा था इट वाज फिर गया नॉट दैट अप टू द मार्क और नीचे करो तुम करो पता नहीं रिजल्ट कैसे आएंगे तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एग्जाम काफी अच्छा था तैयारी करते हुए तो फिर नहीं तो सेकंड एग्जाम में भेजेंगे मैं बरवा 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 मैं बर्बाद हो गई और मैं आबाद मैं पहले मैं आबाद होंगी बस समझ लो कि मेरी जिंदगी खत्म होने के कागार पे हो गई। जैसे पर्यावरण इस संसार से नष्ट होता जा रहा है वैसे मैं भी इस संसार से नष्ट हो जाऊंगी। पता है पता है मैंने क्या किया मैंने भी वही चीज छेपा कि सारी दुनिया में ना जो सबसे बड़ा कारण है जो इंसान है ना वो सारी फसाद का जड़ है। ठीक है देखो ये लिख के ये सबसे मेन टॉपिक था जो लिख डाला है। ठीक है और मुझसे दूर रहो मुझे कोरोना हो सकता है पूरा शीट भर डाला कोरोना है क्या मुझे तो थैंकफुली क्या कहा तुमने अब एक गलत फहमी में मत जियो देख ले गलत फहमी है भाई कैसे क्या बहुत अच्छा हुआ ये कहना चाहते बहुत अच्छा हुआ अच्छा मस्त हुआ बहुत अच्छा वाली जगह ओ भाई विशु क्यों विशु हाय सोशियोलॉजी में है मेरे हाय विशु तो आप घर जा रहे हैं मेरे ये क्वेश्चन पेपर का मैंने रायता कर दिया है ब्लॉगिंग के लिए इतना पैशन कि मेरा बैग गिर रहा है मैं गिर रही हूँ वो ज्यादा पता नहीं है। एग्जाम वाज गुड नाउ लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स लेट्स होप फॉर द बेस्ट चलिए मिलते हैं नए अगले एग्जाम की तैयारी करते हैं सो बाय सी या हैव अ गुड डे बाय।